साथ जो ये शख्स बैठे हैं इनके साथ बड़ा फ्रॉड होने वाला था, और वो फ्रॉड कॉल के जरिए होने वाला था। ना ही ओटीपी मांगा गया इनसे, ना ही कोई आधार कार्ड नंबर मांगा गया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा फ्रॉड होने वाला था कि जब इन्होंने सुना तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, विश्वास नहीं हुआ इनको, पसीना पसीना ये व्यक्ति हो गए। तो आखिर क्या था उस कॉल के अंदर, ये वो ये शख्स ही बताएंगे। तो आप बताएंगे कि जब वो कॉल आया ऐसा क्या हुआ कि आपके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई? मैडम जी, मेरे पास कॉल आई, वो जो कॉल आई ना उसकी फोटो भी थी उसमें, डीएसपी की, मतलब अच्छा डीएसपी की फोटो, मतलब पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति था वहाँ। कॉल आई तो मेरे मुझे बोला वो, लगा भाई आपका लड़के का नाम यही है जी? मैं बोला हाँ जी यही है। बोला आपका नाम यही है? माँ हाँ जी यही है जी। आपका पिता का नाम? बोला यही है। माँ हाँ जी, जी। कह आपका लड़का कहाँ पर पढ़ता है? माँ जी सरसा बाहर पढ़ता है जी। कह आपने पता है बोला लड़के ने क्या किया है? अच्छा माँ जी बोलो जी। यूँ कहा तीन लड़कों के साथ में लग के उसने रेप किया है लड़की का, ये मतलब उनकी वर्डिंग थी, ये उन्होंने कहा। मैं बोले जी माँ तो इस तरह तो नहीं कर सकता जी, मैं पढ़ने वास्ते भेज रखे जी बच्चा तो जी। वो बोलेगा तन्ने तो पढ़ने वास्ते भेज रखे ना, बोलेगा पढ़ने थोड़े लग रहा हो तो गलत काम में जुट रहा। अच्छा मैं तो मेरा तो पसीना आ गया जी, हार्ट अटैक उन्होंने हो गया। मैं एकदम देखा मैं करा के, मैं तो बिछड़ गया एकदम ज़्यादा बिछड़ने के कारण। फिर उसका केक रहा उन्होंने बोले जी, बोलिया क्या भाई ले दे क्या नेड़ काम ने जिस तरह भी। अच्छा बोले नहीं डीजीपी के पास पहुँच जाएगी खबर, और आपने बेरा बोले बच्चे की सजा कितनी होगी? अच्छा बोले उसका करेक्टर खराब हो जाएगा, 7 साल की सजा रेप का मामले में जी। और नाबालिग है वो जी। माँ जी ठीक है जी, माँ जी तो पंगा पड़ गया जी, मैं तो डर गया जब मैं। फिर वो बोला ले दे क्या निबेड़ ले, बोले जी माँ किस तरह जी, कह जी 2 घंटे माँ जी सरसा आ जावा मैं। वो सरसा का नाम से बोल रहा था, डी एस पी सरसा से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा उन्होंने ये बोला तो आदमी था जो जी। वो बोला मैं डीएसपी बोल रहा हूँ सरसा से। मैं ठीक है जी। फिर मैं बोला जी मैं 2 घंटे तो लग जाएंगे जाने में सरसा, 2-2.5 घंटे तो टोने से। फिर वो बोला भाई इस तरह नहीं, बोलेगा जो बाद में करेंगे बाकी बात, बोलेगा 2 लाख रुपया आप डलवा दो इसमें है अच्छा। छेती अम्मा मैं उसमें मामला ना एक बार दफा दफा कर लेंगे थोड़ा सा अच्छा। फिर आगे बाद में मिल लियो अच्छा। बस उन्होंने काट देंगे उसमें थे। मतलब सीधा ही उन्होंने इनको क्या बोला कि मिल तो बाद में लेंगे, आप फटाफट से ले दे के मामले को। फिर इतने अपने पैसे कौन थे जी, भाई एकदम को संभाल ले। फिर मैंने सोचा जी इतना मैंने उससे नहीं कहा, मैं पत्रकार तेरी बात कराऊंगा एक बार जाके। वो डर गया डरने के कारण उसने फोन काट दिया। मैंने वो फोन देखा नंबर तो मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो गले गले थाना में गया, थाना के बाहर थाना तो अंदर गया नहीं मैं, बाहर महल पहला काट दिया नंबर दिखाया, पहला नंबर काट दें फिर दिखा देंगे मैं ऐसे चुना किसी ने दिखा देंगे भाई इस तरह कॉल आई थी इस पर। वो जाके नंबर देखे तो उसमें नंबर ही कोई नहीं था, नंबर ही डिलीट हो गया, नंबर ही डिलीट जो दे मैंने पता नहीं लग गया मैंने नंबर कद बाज गया कद नहीं। अब आप ये देखिए कि ये पहली बार ऐसा मैंने खुद ने ऐसा सुना है कि मतलब पहली बार इस तरीके का भी फ्रॉड होता है कि आपके बच्चे के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया जाता है और आपसे बदले में पैसे की डिमांड की जाती है। उसके बाद मैडम जी मैंने लड़के लिए फोन करे साथ की साथ क्रॉस चेक करने के लिए, अब कॉल करना पड़ेगा बच्चा सही भी है। और उसमें एक बात और भी थी जी, जो उसने कॉल करी ना उसमें बच्चा चिंगाड़ी मारा था, रिमांड पे ले रखे आपका बच्चा। अच्छा पीछे की तरफ एक ऐसी आवाज आ रही थी जिस तरह बच्चा रिमांड पे ले रखे, सच्चाई ले रखे जिस तरह सच्चा, और वो था फ्रॉड सौदा। फिर मैंने सोरल में फोन कर रहा जी, उसने बोला पापा मैं तो पढ़ने लग रहा हूँ। फिर मैंने विश्वास नहीं होना कूटी, मैंने वीडियो कॉल भी करवाई। अच्छा। वीडियो कॉल बोले कहा हाँ मैं पढ़ने लग रहा मैं ठीक है। अच्छा। फिर भी मेरा शाम तक धड़कन इतनी तेज रही, बस शाम तक मैं सुबह 3-4 बार फोन करता रहा। मतलब आप बैक टू बैक उसके पास कॉल करते रहे ये पूछने के लिए कि कहाँ है क्या कर रहा है। मैं ना बोली लड़का मैं गलती कर भी गया हो, फिर उनकी तो डीएसपी का नाम ले गया तो पुलिस वाले ने बदनाम करा ना दूसरे इस तरह के सौदे करें, ये तो पुलिस वाले सारे बदनाम थोड़े हैं इस तरह भाई, सारे इस तरह काम करेंगे और रिश्वत थोड़े मांगेगा। जो इस तरह काम करता है इस तरह काम में रिश्वत थोड़े मांग सके एकदम, और कहा भाई आगे आपका बच्चा संभाल राजा भाई जी। हाँ अब आप ये देखिए और जरा सोचिए कि कितना बड़ा ये फ्रॉड होने वाला था इनके साथ, 2 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड इनसे की। अगर वो ना मांगता ना पैसे कह रहा मैं उरा पड़ा था जी 40-50 हज़ार का लाख का जुगाड़ कर भी दिंदा और पुआ भी दिंदा, मैं फंस दिंदा खाम खाई, पैसे मेरे गए थे जुए वो तो मैं चलू कुदरती है, वैसे उसने बोल दिया मैंने इस करके मैंने पैसे तो नहीं मांग सकता डी एस पी इस तरह उन्होंने लेन देन की बात की। हाँ पहला थोड़े इस तरह कर सके तो जाके लबे बैठ के बात हो न्यारी बात है, नहीं वो थोड़े मांग सके पैसे। हाँ जी अब आप ये देखिए कि जब पेरेंट्स के ऊपर इस तरीके की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो बड़े मुश्किल के अंदर फंस जाते हैं, और ये जैसा इन्होंने कहा कि बताई मैंने जब त्रिअंटी ने बताई जो त्रिअंटी भी काम बन लग गई, मैंने बोला लड़का तो छेती फोन कर, बोला मैंने तो कर फोन, बोला मैं सेफ बैठे हूँ कोई ऐसी बातें को नहीं,
अब आप देखिए ना OTP मांगा है इनसे, ना किसी तरीके का इन्होंने लिंक ओपन किया है, ना ही आधार कार्ड का नंबर मांगा है। लेकिन एक ऐसी बात बोल देना कि जिससे माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, और जैसा इन्होंने बताया कि इनको तो मतलब हार्ट अटैक ही आने वाला है। सारा अभी इतना बड़ा इल्जाम अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई लगाता है तो माँ बाप का क्या हाल होगा? ये तो इन्होंने खुद अपने आप भी इन्होंने बताई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप दूसरे लोगों से? मुझे लोग कहना भाई इनकी फ्रोड़ा था, पहला पता करो चीज का भाई, पहला आपका फोन मिला के देखो कंकड़िया जिसका लड़का लगा, चाहे लड़की है, चाहे कोई भी मामला, चाहे कोई इस तरह भी नहीं होता अस्पताल में नहीं कर सका कोई, तेरा लड़का एक्सीडेंट हो गया भाई, छेती उसने मैं लेके जाने लग रहा, छेती पैसे पुआ दे नहीं मर जाएगा, अब जल्दी जल्दी में पैसे पुआ दें, अब पुआने का कारण काम खराब हो जाएगा, या बहन भाई भी पैसे मांग सके कोई नहीं, इस तरह फ्रॉड बन गए, ये तो बहुत गलत फ्रॉड चल रहा है जमा सिस्टम। तो ये देखिए कहूंगा भाई इस तरह के फ्रॉड आते हैं बचो, किसी का कोई पुलिस वाला का फोन आ जाओ और आ जाओ, पहला आपका घर कहते संतुष्टि करो, बच्चा है चाहे बेटी है चाहे लड़का है चाहे कुछ भी है, चेक करना बहुत जरूरी है, पहला उससे वो करो चेक करो, फिर उसके बाद बात करो। अच्छा ये बताइए जब कॉल आया था तो कॉल पर कोई फोटो वगैरह भी लगी हुई थी? फोटो लग रही थी वर्दी वाले की लग रही थी जी, फोटो पुलिस की वर्दी की, फोटो DSP की, और उस पर लिखा भी आया था DSP सरसा। अच्छा ये लिखा हुआ था? हाँ, और वो फ्रॉड था। तो देख लीजिए कितने बड़े लेवल पर और कितना बड़ा फ्रॉड मतलब ये लोग करते हैं, और इनके साथ भी होने से बचा है क्योंकि इन्होंने क्रॉस चेक किया, इन्होंने वेरीफाई किया, अपने बच्चे के पास कॉल किया तो इन्हें पता लगा कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये बात घर कर जाती है कि आपके बच्चे के ऊपर जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगता है और ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इन्होंने जैसे ही देखा कि DSP सिरसा लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं विश्वास भी हो जाता है, और जब इन्होंने बैकग्राउंड में इन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे की आवाज़ भी आ रही थी तो कहीं ना कहीं इनको यकीन हो रहा था, लेकिन अगर ये क्रॉस चेक ना करते, वेरीफाई ना करते तो शायद ये भी शिकार हो जाते इतने बड़े फ्रॉड का, शायद ये भी पैसे डलवा देते उनके अकाउंट में। जी मैं तो एक बात कहूँ जी भाई, इससे पैसे ना पुआओ कड़ियाँ भी, पहला आपके बच्चे की चेक कोई भी है किस तरह का मामला हो ना, पहला चेक करो उसके बाद, और पैसे पाने की लोड़ नहीं पड़ती। बिल्कुल ये तो मैं बच गया जी, ये तो पुलिस आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकती, करती नहीं है जी, पैसे की डिमांड हो तो अगले उरा आ जा, उरा के बात करो जी, इस तरह तो हो सके फिर इस तरह पैसे थोड़े मांगेंगे वहाँ जी। ऐसे फ्रॉड कॉल से कहीं ना कहीं पुलिस की छवि पर भी ये लोग दाग लगाने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन ठगी का जाल बना रखे तो बिल्कुल। तो भाई आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इनके साथ ये घटना हुई लेकिन ये बच गए, इस फ्रॉड से बच गए, अपने आप को बाहर निकाला इन्होंने और ये ठीक है, मतलब अभी मानसिक संतुलन भी मुझे लगता है। मेरा उतना का उतना की बेचैनी हो रही है मेरा ईव तक भी, बेसिक चीज की बेचैनी है, तो कड़ा खबर सुनाई थी, मतलब खाम खाई मारे गए थे, के करते ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, आपके रिश्तेदार पड़ोसी किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की, और जितना हो सके चीज़ों को वेरीफाई करने की। तो बने रहिएगा TBN न्यूज़ के साथ और हम यही हिदायत देते हैं आपको जी, कोई आवे ना जी इस तरह का कॉल, उसको पहला जब आवे ना कॉल कर लेगा लिख लो उसका नंबर, और मैं नंबर लिखना भूल गया, मैं बिछड़ गया एकदम जी। ये बात कहते हैं किसी लगे कॉल आवे ना और लिखो नंबर, लेकिन इन नंबर को हम ट्रेस भी नहीं कर सकते, ये ऐसे नंबर होते हैं, लिखने का भी मुझे लगता है कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हमें सिर्फ बचाव की जरूरत है, हमें खुद को अपडेट रखने की जरूरत है, हमें चीज़ों की पूरी जानकारी होने की जरूरत है। तो मेरी और मेरे चैनल की ओर से यही हिदायत है कि अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई कॉल आता है तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पर विश्वास ना करें, और पैसे का लेन देन चाहे सिर्फ एक रुपये की भी बात हो तो उसका भी मत कीजिएगा। बता दिया मैडम जी आपका लड़का कहाँ पढ़ता है जी, और क्या क्या आप कहाँ से हो जी, कौन सा गांव से? बिल्कुल एक एक जो जानकारी थी इनके रिगार्डिंग वो बिल्कुल इन्होंने एक्यूरेट दी, इनका नाम, इनके फादर का नाम, इनके बच्चे का नाम, हर एक चीज की जानकारी उनके पास एक्यूरेसी में थी। तो आप कभी भी इन चीजों पे विश्वास मत करिएगा, हमेशा क्रॉस चेक करिएगा तभी आगे बढ़िएगा। तो हमारी यही हिदायत है और प्लीज इसे अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई जरूर करिएगा। तो बने रहिएगा TBN न्यूज के साथ जी, मेरी तरफ से और इनकी तरफ से भी आप सभी को राम राम।